पुलिस बताकर कंपनी के कर्मचारियों से लाखों रुपए लूटने वाला गिरफ्तार। अपने आप को पुलिस बताकर एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों से 25,32,000 रुपए लेकर फरार आरोपी को नवी मुंबई पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि फरियादी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और कंपनी के उधारी का रकम जो कि 25,32,000 रुपए लेकर जा रहा था, रास्ते में उसे दो लोग मिले जो अपने आप को पुलिस बताकर पैसे से भरा बैग छीनकर भाग गए। इसकी शिकायत फरियादी ने नवी मुंबई पुलिस स्टेशन में की, जहां पुलिस ने ट्रैकिंग के आधार पर जांच करके लुटेरों सहित 5 लोगों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 15,18,500 रुपए नगद और एक कार, एक बुलेट बरामद किया है और आगे की जांच जारी है। अभी देखो ऐसा है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये नवंबर महीने में 12 तारीख को रवाले पुलिस स्टेशन के हद में ये रॉबरी का गुना हुआ था, जबरी चोरी का, और इसमें दो लोग बुलेट पे आए और एक कंपनी के कुछ लोग, दो लोग पैसा लेकर के आ रहे थे। उनका वो रेगुलर था कि उन्होंने जो एल्युमिनियम के धंधे करते थे उसका जो माल सप्लाई किया था, उसका लोगों से पैसा, जो कस्टमर से पैसा इकट्ठा करके ला रहे थे, करीब 25 लाख रुपए एक बैग में लेकर के आ रहे थे। और उनको बुलेट पे दो लोगों ने आया, उनको रोका, उनको पिटा, बोला कि हम पुलिस वाले हैं। उसमें से बीच में उनको बैठाया, बैग वाले को लेकर के वो बॉम्बे की तरफ भाग गए एरोली साइड से। और इसमें 24 घंटे के अंदर बड़ा चैलेंजिंग क्राइम था हमारे लिए। हमारे यूनिट वन के जो टीम है, सीनियर इंस्पेक्टर वहाँ के जो इंचार्ज हैं सुनील सिंधे साहब और उनकी पूरी टीम, ज्वाइंट सीपी जय जाधव, एडिशनल सीपी घोरे साहब हैं, डीसीपी सुरेश मेघड़े क्राइम के, एसीपी वस्त हैं, एसीपी चौहान साहब थे उस समय, ये पूरी टीम जो है सबने मेहनत करके कुछ जोन के जो वहाँ लोकल जो पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं उन्होंने भी मदद किया इसमें, और क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी कर्मचारी हैं मेहनत करके 24 घंटे के अंदर इन्होंने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और उसमें बहुत सारा जो है हमने रिकवरी भी की है। और बाद में जा करके जो छठवां जो मेन आरोपी था इमरान घाची, वो भी गिरफ्तार हुआ है। और कुल मिला करके हमने करीब 25 लाख रुपए इसमें कैश रिकवरी की है। और एक जो कार उन्होंने यूज़ किया है क्राइम में, एक स्विफ्ट डिजायर कार थी 8 लाख की, वो भी रिकवरी हुई है। और बुलेट जो यूज़ किया उन्होंने, बुलेट भी हमने रिकवरी कर ली है, तकरीबन 2 लाख की है। कुल मिला के करीब 25 लाख की प्रॉपर्टी ओवरऑल रिकवरी हुई है। बट बाकी जो पैसे अभी रिकवरी होने बाकी हैं उसमें से कुछ पता लगा है कि इन्होंने खर्च कर दिए ये आरोपियों ने, स्पेशली जो इमरान है ये कहीं जो चला गया था राजस्थान वगैरह में, तो उस समय काफ़ी खर्चा किया। फिर भी हमारी कोशिश है कि बाकी जो बचे हुए पैसे हैं हम जल्द से जल्द उसकी कुछ रिकवरी कर पाए। सारी कंपनी इमरान के पास इतना हिस्से हो चुके थे इन सब होंगे, हाँ 24 घंटे के दरमियान में पैसे की हिस्सेदारी हो गई होगी इनकी, या पूरा इमरान लेकर चला गया था? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लेके गया था, कुछ बांटा गया था जी। तो वो सब इन्वेस्टिगेशन का भाग है, उसमें कुछ अभी मिलना बाकी भी है। बस मेरे ख्याल से इमरान चूंकि मेन था, सूत्रधार था, तो ज्यादा पैसा लिया था, बराबर है? यस सर। उसका जो है मैक्सिमम शेयर था वो लेके जाके खर्चा ज्यादा किया उधर राजस्थान में। जांच में कुछ इस तरह की बातें सामने आई कि सबके हिस्से में क्या क्या, कितने कितने रुपए मिले थे? नहीं वो डिटेल अभी तो बताना मुश्किल है किसको क्या मिला, लेकिन ज्यादा इमरान को मिला है जी। और उसने खर्चा भी ज्यादा किया है।